ये जा रहा है रास्ता कॉलेज को, नया ही बनाया है रास्ता आजकल ही। अरे जिन नीचे बन रहा है ना, ये है हॉस्टल, हॉस्टल बन रहा है ये। वो रहा कॉलेज सामने दिख रहा है जो, तो ये है वो कच्ची मौली, इसमें दही वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज है छठवां दिन मेरे 365 दिन डेली व्लॉग चैलेंज का, और आज मैं जाने वाला हूँ कॉलेज। तो आगे से मेरे को राहुल मिल जाएगा उधर गांव से, और एक और दोस्त आने वाला था मेरा शुभम, लेकिन रात को तो बातचीत हुई हमारी, पर सुबह उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो ज़्यादातर ऐसे ही करता है, सुबह को फ़ोन नहीं उठाता, कभी स्विच ऑफ जाता है, स्विच ऑफ जाता है उसका फ़ोन। पर वो तो आ नहीं रहा आज, तो राहुल के साथ ही जाऊँगा मैं, आगे वेट कर रहा हूँ मेरा। तो अभी आ गया मैं राहुल के घर के पास, उसका घर सबसे नीचे है गांव में उनके, तो रुका होगा शायद मेरे को, चलता हूँ फिर उसके साथ, देखता हूँ है कि नहीं घर पे। तो आ चुके हैं राहुल सिंह रावत शानदार एंट्री के साथ, और अब चलेंगे हम इनके साथ। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम गरखट में, यह है गाँव गरखट, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर को प्रखान। नमस्ते, और बैठे अच्छी अब छुट्टी आप पोड़ ला। तभी आगे को चलेंगे हम यहाँ से, बहुत ऊपर चढ़ना अभी। तो ये गरखट में एक छोटा सा मंदिर, ये पता नहीं कौन से भगवान जी का है, ये तो पता नहीं मेरे को, माता का मंदिर है शायद। तो ये रहा माता का मंदिर, और इधर से जाएंगे हम ऊपर को, राहुल तो गाने सुनते हुए जा रहा है, तो ऊपर जाएंगे हम यहाँ से, और इधर की साइड को ऊपर खाल है। तो आ गए हम यहाँ पे ऊपर खाल में, और इधर की साइड को जाना है कॉलेज की तरफ, लेकिन अभी हम इधर को चलेंगे क्योंकि मेरे पास ए इसमें है बहुत सारे सिक्के हैं इसमें, तो दुकान में देने हैं, वो उनसे बात हो चुकी है कि उनको सिक्के देने हैं और वो हमें नोट दे देंगे। तो अभी उनके पास ही चलूँगा मैं, मैंने तो बात की नहीं, साक्षी ने बात की थी, देखता हूँ फिर लेते हैं कि नहीं वो, उसके बाद चलेंगे हम कॉलेज को। तो ये थी वो दुकान जहाँ मैंने सिक्के जमा कराने थे, वहाँ सिक्के तो जमा करा दिए मैंने, मैंने उनको बोला कि अभी गिन के रख देना, बाद में दे देना पैसे, उन्होंने कहा ठीक है। तो इधर को जाएंगे हम रोड बाई रोड आगे कॉलेज की तरफ। ये है ऊपर खाल का ऊपर वाला मार्केट, जहाँ से अभी आ रहा था मैं वो नीचे वाला मार्केट है। अभी तो एकदम खाली खाली लग रहा है, दुकानें भी पूरी खुली नहीं, कोई दिख नहीं रहा कॉलेज का, वैसे बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी कोई नहीं दिख रहा, कॉलेज में पहुँच गए सारे शायद, हम भी चलते हैं फिर। तो ये है ऊपर खाल का ऊपर वाला मार्केट, और ये जा रहा है रास्ता कॉलेज को, नया ही बनाया है रास्ता आजकल ही बनाया है, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर को कॉलेज की तरफ। वो रहा कॉलेज सामने दिख रहा है जो, कॉलेज तो एकदम मस्त बना रखा है, और आज ज़्यादा भीड़ है नहीं, पहले हमें लगा कहीं छुट्टी तो नहीं है, ये रास्ता भी आजकल ही बना हुआ है, लेकिन छुट्टी तो है नहीं, कॉलेज खुला ही हुआ है, लेकिन आज भीड़ कम है थोड़ी सी। अभी जाएंगे कॉलेज में, कॉलेज में तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ पर मतलब वीडियो बना दूँगा पर ऐसे ही दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि वहाँ पे बोलूँगा कुछ तो फिर सर लोग हल्ला करते हैं। तो अभी चलता हूँ मैं कॉलेज की तरफ। आ गए हम कॉलेज से बाहर, पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा कुछ हुई नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ा बस, हाजिर लगा के आ गए, और आपको इधर आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल मस्त सा दिख रहा है हिमालय, वो रहा हिमालय, यहाँ से तो साफ दिखता है एकदम, जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे तो साफ नहीं दिखेगा आँखों से, साफ तो ऐसे दिख नहीं सकता, आँखों से ही दिखेगा मतलब साफ तो। अरे जिन नीचे बन रहा है ना, ये है हॉस्टल, हॉस्टल बन रहा है ये लड़के लड़कियों के रहने के लिए, तो अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी, जब बन जाएगा फिर देखते हैं कोई रहता है तो देखेंगे फिर। और ये रहा हमारा कॉलेज, कॉलेज तो मस्त लग रहा है एकदम। तो अभी आ गए हम नीचे बाजार में, पीछे होटल दिख रहा है, वहीं जाएंगे हम, कुछ खा पी लेंगे, बाकी उसके बाद नीचे चलेंगे तब दिखाऊंगा आपको। तो गाइज आ गए हम वहाँ से होटल से खा पी के, और राहुल का फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं तुमको, दाढ़ी बना के कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, एकदम मस्त लग रहा है, एक बार देखो भाई, हीरो बन गया एकदम,
तो यही था इसका लुक। अब नीचे जाऊंगा मैं, नीचे बाजार में पैसे थे जो सुबह वो भी लेने मेरे को, फिर वहाँ से घर को निकल जाएंगे हम। को तिमी तजर में तो बेटा ना देख कन लगने से मसला। तो अभी निकल गए हम कॉलेज से, मतलब ऊपर बाजार से आ गए, पैसे मिल गए मेरे को, गिन लिए थे उन्होंने सिक्के और पैसे दे दिए मेरे को। तो अब नीचे चलूँगा मैं घर की तरफ, बाकी और कुछ है नहीं। तो गाइस अभी कॉलेज से नीचे आ गए हम, और यह है गरखट की स्कूल, प्राइमरी स्कूल है गरखट की, गेट लगा हुआ है उधर से। तो यहाँ से चढ़ता हूँ मैं ऊपर। ये है किचन, और ये रहा स्कूल। स्कूल की भी भाई हालत ख़राब हो रखी है स्कूल की भी, पर ये रहा स्कूल। पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते हैं। राहुल भाई कह रहे हैं कि हमने भी यहीं से पढ़ा, यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, संपन्न की, मतलब जो भी होता है। तो ये रहा स्कूल, स्कूल में तो पहुंच गए हम, अब नीचे को चलेंगे। तो अभी आ गया मैं राहुल के घर पे। मैं आज तो सीधा जाने वाला था, पर इन्होंने कचमोली बना रखी है, तो वो खा के जाऊँगा आज मैं। मैं ही बनाऊँगा कभी घर पर, तो दिखा दूँगा कैसे बनती है। अभी ला रहे हैं मेरे लिए, चम्मच भी ले रहे। तो ये है वो कचमोली, इसमें दही वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। मैं भी बनाऊंगा किसी दिन, तो फिर दिखा दूंगा। अभी तो इसको खा के चलता हूँ मैं। तो अभी मैं चलता हूँ राहुल भाई को बाय करके, और कचमोली वगैरह सब कुछ खा ली मैंने। तो अब निकलूँगा मैं घर की तरफ। अभी गाय छोड़ रखी होगी हमने, तो गाय लेने भी जाना है मेरे को। अभी तो घर जाऊँगा मैं, बाकी घर पर देखूँगा फिर क्या क्या होता है। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर पर। आते ही मुझे देखिए लालू जी, लालू यादव जो आराम कर रहे हैं, इसका और कुछ काम है नहीं, बस आराम करता है। अंदर ये लोग खाना खा रहे हैं। दादी पता नहीं कहाँ है, दादी शायद ऊपर होगी। और दादी ने बंद का पैकेट मंगाया था मेरे लिए, मतलब मुझसे मंगवाया था अपने लिए। दादी को दे दूँगा, कहाँ है दादी। दादी नीचे लेट रही है। मेरी दादी नीचे लेट रही है, चश्मा भी लगा दिया, हीरोइन बन गई एकदम। दादी ने बंद मंगा रखा था। दादी ये क्या हो, 25 रुपये 100। हाँ नहीं फट गए। दादी ने कहा अंदर रख दे, मैं भी खाना खाऊंगा। तो अभी आ गया मैं गाय के साथ। गाय वगैरह तो वहाँ पे चल रही है, और ऊपर देखो यार, पता नहीं किसने आग लगा दी उधर की साइड, और रात तक पता नहीं कहाँ तक फैल जाएगी, सारा घास जल जाएगा। वो तो ठीक हुआ, आजकल ठंडियों का टाइम है तो ओस पड़ जाएगी, रात को तो पूरा नहीं जलेगा, पर फिर भी रात तक पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ पिट्ठू खेलने के नीचे, आज गए हुए हैं लड़के लड़कियाँ नीचे खेल रहे होंगे, तो मैं भी चलूँगा आज। आज दिखाऊँगा आपको उधर की साइड खेल रहे हो, और मेरे साथ जा रहा है सागर। बोल रहे कुछ ऐसे नहीं, कैसे कुछ तो बोल। तो ये खेल रहे हैं यहाँ पे पिट्ठू, ये होता है गेम। इसमें और जगह तो ऐसा होता है कि पहले ही पत्थर के ऊपर पत्थर रखा होता है, फिर उसको बॉल से मारना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे खेलते हैं कि पत्थर बाद में खुद ही लगाने पड़ते हैं, पहले सब नीचे पत्थर रखे होते हैं और दो टीम बनी होती है। हाय कर, सब हाय कर। मैं भी खेलूँगा अभी, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये सब खेलेंगे यहाँ पे, और ये है पिट्ठो, पत्थर ला रखे इन्होंने, एक ईंट भी है इनके बीच। तो दो टीम बनाएंगे, एक टीम बॉल से मारेगी सबको, और दूसरी टीम भागेगी बचेगी बॉल से, और पत्थर के ऊपर पत्थर रखेगी। और अगर सारे पत्थर रख दे एक के ऊपर भी, और एक भी आदमी बचा हुआ है ना टीम का, तो फिर पिट्ठू हो जाएगा, सारे के सारे जिंदा हो जाएंगे। हल्ला कर रहे।